रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। शिक्षा मिले न भोजन, गुरुजी उठा रहे वेतन। जी हाँ, सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन केकड़ी जिले में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि केकड़ी जिले में शिक्षा के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का रामकन्या न्यूज द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कई खुलासे हुए हैं। एक स्कूल तो ऐसी है जहाँ पर सरकारी रिवॉर्ड में बच्चों का नामांकन जीरो है, इसके बावजूद सरकार ने वहां दो टीचर लगा रखे हैं, जिसके चलते शिक्षा की जोत कागजों में ही जल रही है। जिले की केकड़ी सरवाड़ एवं सावर पंचायत समिति में कई स्कूलें ऐसी है जहां शिक्षकों ने फर्जी नामांकन पर कागजों में स्कूलें संचालित कर रखी है और प्रतिमाह बच्चों को पढ़ाने के नाम पर मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। शिक्षकों की इस करतूत का पता किसी को नहीं चले, इसलिए पोर्टल पर फर्जी नामांकन दर्शा रखा है। ऐसा भी नहीं है कि स्कूलों में चल रहे फर्जीवाड़ों की अधिकारियों को भनक न हो, लेकिन जानकारी होने के बावजूद सब मौन है, इसलिए वह भी सवालों के घेरे में है। वैसे तो गुरु को अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला सशक्त माध्यम बताया जाता है, लेकिन यहाँ तो गुरु जी बच्चों के भविष्य को उल्टा अंधकारमय करने में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। राजकीय प्राथमिक विद्यालय माधोसागर सावर ब्लॉक में है उक्त विद्यालय में नामांकन शून्य है, लेकिन सरकार ने यहां पर दो शिक्षकों को लगा रखा है। रामकन्या न्यूज की टीम सावर से कटीली झाड़ियां में टेढ़ी मेढ़े रास्ते को पार करती हुई तालाब के किनारे होते हुए स्कूल पहुंची तो स्कूल के ताले लटके हुए थे, चारों तरफ पानी भरा हुआ था और स्कूल के मुख्य द्वार पर बबूल उगे हुए थे। आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग पलायन कर गए। दूर खेत में काम कर रहे एक किसान से टीम के सदस्यों ने स्कूल को लेकर बातचीत की तो उसने बताया कि यहाँ कोई शिक्षक पढ़ाने नहीं आता और न ही स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। मजेदार बात यह है कि सरकारी पोर्टल पर जीरो नामांकन है और अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, इसके बावजूद भी सरकार ने यहाँ शिक्षक लगा रखे हैं, जिनका लाखों रुपए वेतन उसे स्कूल से उठा रहा है। स्कूल लंबे समय से बंद है, इसके बावजूद शिक्षा विभाग को बिजली का बिल भरना पड़ रहा है, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। टीम के सदस्य ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से माधोसागर स्कूल को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक शिक्षक को वहां से हटा दिया है और दूसरे शिक्षक को भी आवश्यकता अनुसार दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपये की शपथ क्यों लगाई जा रही है। आपको बताते चले कि उक्त स्कूल में शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति का गोरखधंधा वर्षों से चल रहा है। यह कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी नामांकन पर कागजों में स्कूल चला रहे हैं। पिछली तात्कालिक कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने उक्त स्कूल को लेकर ट्वीट करते हुए जांच बिठाई थी और कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने कागजी खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली। इस मामले को लेकर RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा था, इसके बावजूद समस्या झस की तस है और वर्षों से स्कूल कागजों में ही चल रही है। अब बात करते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी सावर की। आमतौर पर सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की बात सामने आती है, पर केकड़ी जिले के प्राथमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी की बात ही कुछ अलग है। यहाँ 3 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक तैनात है। राजस्थान सरकार ने यहाँ पर 2 टीचर लगा रखे हैं, सुरेश खारोल और विंसी सेमुअल। यहाँ 4 बच्चों का नामांकन है, लेकिन एक छात्र ने स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, जिसके चलते यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या घटकर 3 रह गई। सावर ब्लॉक में भी कई स्कूलें ऐसी है जहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। वह इंदिरा कॉलोनी के प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक मिलकर 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा की इस सरकारी ढर्रे और बदहाल स्थिति ने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां प्राथमिक विद्यालय का भविष्य खतरे में नजर आता है। इस मामले में जिम्मेदार भी जमकर कोताही बरत रहे हैं। इस वजह से क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के बुरे हाल है।
राजस्थान सरकार को यहां भी लाखों रुपये का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर यहां स्कूल भवन बनाया, इसके साथ ही प्रतिमाह दोनों शिक्षकों को तनख्वाह के रूप में मोटी रकम दी जा रही है। वहीं पोषाहार, बिजली का बिल एवं अन्य खर्चे के रूप में सरकारी को मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। रामकन्या न्यूज़ की टीम जब स्कूल में पहुंची तो स्कूल में शिक्षक सुरेश खारोल उपस्थित मिले, जो किरण नाम की एकमात्र छात्रा को पढ़ा रहे थे। जब अन्य शिक्षक और बच्चों के बारे में जानकारी ली तो खारोल ने बताया कि शिक्षिका अभी घर गई है और दो बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं। वही एक छात्रा ने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया है, जिसके चलते एकमात्र छात्र को पढ़ा रहा हूं। ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग एकमात्र छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिमाह लाखों रुपये क्यों खर्च कर रहा है। रामकन्या न्यूज़ की टीम जब राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाबाड़ी पारा पहुंची तो वहां पर सुशीला व्यास और नीला कुमारी दो शिक्षिकाएं उपस्थित मिली। एक कमरे के ताला लगा हुआ था और एक कमरा खुला हुआ था, लेकिन छात्र छात्रा एक भी स्कूल में मौजूद नहीं थे। टीम ने जब बातचीत की तो शिक्षिकाओं ने बताया कि यहाँ पर 13 बच्चों का नामांकन है और आपके आने से पहले बच्चे बच्ची अपने घर चले गए। टीम के सदस्य स्कूल में मौजूद थे। इस दौरान दो मासूम बच्चे शिक्षिकाओं से मिलने के लिए आए और बताया कि उनके माता पिता दिल्ली जा रहे हैं और हम भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे। नामांकन को लेकर नीला कुमारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग रोजगार के अभाव में पलायन कर जाते, जिसके चलते छात्र छात्राओं की संख्या कम है। यहाँ भी सरकार को लाखों रुपये प्रतिमाह आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चों का नामांकन इस वर्ष ही कम हो, वर्षों से ऐसे ही हालात हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, जिसके चलते सरकार का सबको शिक्षा देने का सपना चकनाचूर हो रहा है। यहाँ पर भी सरकार को दोनों शिक्षिकाओं को मोटी रकम तनख्वाह के रूप में भुगतान करनी पड़ रही है। इसके अलावा पोषाहार, बिजली और दस्तावेज के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल के औचक निरीक्षण का लक्ष्य देती है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इन स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते हैं, जिसके चलते गुलाबबाड़ी पारा में बरसों से हालात जस के तस है। सरवाड़ उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटपटिया खेड़ा रामपुरा में रामकन्या न्यूज की टीम पहुंची तो वहां श्री राम बैरवा और जयदेव चारण दो शिक्षक मिले। बच्चे स्कूल से नदारद थे। कुछ मासूम विद्यालय के खेल मैदान पर नीम के पेड़ पर चढ़े हुए मिले और जमीन में मिट्टी में छेद करके पानी डाल रहे थे। इस बारे में जब शिक्षकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ 6 बच्चों का नामांकन है और बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी शिक्षा का बंटाधार देखने को मिला। 6 बच्चों पर दो शिक्षक और लाखों रुपये का खर्चा। गुरुजी ने सरकारी पोर्टल पर तो 6 बच्चों का नामांकन का दिखा रखा है, लेकिन बच्चे स्कूल ही नहीं आते। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार के लाखों रुपये का अपव्यय क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि 6 बच्चों पर दो शिक्षक लगाना कहाँ न्याय संगत है। ऐसा नहीं है कि पहली बार छात्र छात्राओं की संख्या कम हो, वर्षों से ऐसा ही चलता रहा है और सरकारी पैसे का गुरुजी अपव्यय कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी भी वर्षों से मौन है, जिसके चलते यह गोरखधंधा बदस्तूर जारी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा टाटोती का रामकन्या न्यूज़ की टीम ने अवलोकन किया तो वहां पर एक शिक्षक मौजूद मिला। शिक्षक से बातचीत करने पर उसने बताया कि यहां 12 बच्चों का नामांकन है और दो शिक्षक कार्यरत है। जब पूछा गया कि एक शिक्षक कहां गया तो गुरुजी ने बात को टालते हुए कहा कि आसपास कहीं गए होंगे। राजस्थान सरकार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने के उद्देश्य से गांव-गांव ढाणी-ढाणी में स्कूल खोल रही है और पानी की तरह पैसा बह रही है। इसके बावजूद नोनिहालों को शिक्षा से महरूम रहना पड़ता है और गुरुजी कागजी खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के समीप जनकपुरी में सरकार ने पिछड़े तबके के लोगों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए लाखों रुपये खर्च कर स्कूल भवन बनाते हुए स्कूल खोली, ताकि भील बागरिया एवं अन्य समाज के परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर भी शिक्षा की जोत कागजों में ही चल रही है। सरकार ने यहां पर दो शिक्षिकाओं को लगा रखा है, जिनको तनख्वाह के रूप में मोटी रकम दी जाती है। इसके अलावा बिजली का बिल और मिड डे मील का भी भुगतान होता है।
यहाँ पर 8 बच्चों का नामांकन है, लेकिन बच्चे कभी कभार ही स्कूल आते हैं, जिसके चलते दोनों शिक्षिकाएं दिन भर ठाली बैठी रहती है और स्कूल समय पूरा होते ही घर चली जाती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या इस वर्ष ही कम हो, वर्षों से स्कूल में बच्चे नहीं आते। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। रामकन्या न्यूज़ की टीम जब स्कूल पहुंची तो दोनों शिक्षिकाएं कमरे में बैठी नजर आई। जब छात्र छात्राओं के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चे अभी अभी घर गए हैं। संस्था प्रधान रेखा दिवाकर ने बताया कि रोज बच्चों को स्कूल लाने के लिए उनके घर लेने के लिए जाती है और रोज परिजनों को फोन करती हूँ। दिवाकर ने बताया कि छात्र छात्राओं का नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पिछड़े तबके के लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से वर्षों पहले सावर में प्रताप कॉलोनी में स्कूल खोली, लेकिन स्कूल खोलने के बाद सरकार ने यहां भवन नहीं बनाया, जिसके चलते किराए के एक कमरे में स्कूल चल रही है। शिक्षा विभाग ने यहां 2 शिक्षिकाओं को लगा रखा है। स्कूल के पीछे ही मार्बल खदाने हैं, दिन में ब्लास्ट होता है जिसके पत्थर स्कूल में आकर गिरते हैं, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है और अभिभावक उसी भय के चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यहाँ 13 बच्चों का नामांकन है। कभी कभार बच्चे आ जाते हैं तो शिक्षिकाएं पढ़ा देती है, अगर बच्चे नहीं आते हैं तो शिक्षिकाएं दिन भर बैठकर घर चली जाती है। यहाँ पे मिड डे मील के नाम पर पैसा उठ रहा है और मिड डे मील पोषाहार बनाने वाली का भुगतान किया जा रहा है, जिसके चलते सरकार के लाखों रुपये का अपव्यय हो रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के कारिंदे वर्षों से मौन है, जिसके चलते शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। प्रताप कॉलोनी सावर में गाड़िया लोहार परिवार रहते हैं, जिनके बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन पिछले 10 वर्षों से स्कूल बच्चों के अभाव में यूं ही चल रही है। केस नंबर 8। आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कूल दिखाएंगे जहां बच्चे सिर्फ 8 हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए 2 सरकारी शिक्षिकाओं की तैनाती है। 8 बच्चों पर यहां हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग कर ये एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग को इलाके में पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय उदय सागर में जब रामकन्या न्यूज़ की टीम पहुंची तो 2 शिक्षिकाएं रिधि शर्मा और मनीषा कुमारी उपस्थित मिली। एक शिक्षिका कमरे में बच्चों को पढ़ा रही थी, वहीं दूसरी शिक्षिका बाहर बरामदे में बैठी नजर आई। जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहां 8 बच्चों का नामांकन है। नामांकन पहले कम था, जिसको हमने रात दिन मेहनत कर 8 किया है। उन्होंने बताया कि यहां रहने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए 8 बच्चों का ही नामांकन है। ऐसा नहीं है कि नामांकन पहली बार कम हो, वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में राजस्थान सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपए स्कूल के नाम पर खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार का उद्देश्य सबको शिक्षा देने का है, लेकिन 8 बच्चों पर 2 शिक्षिकाओं को पद स्थापित करना न्याय संगत नहीं है। इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सरकारी धन का अपव्यय होने से बच सके। केस नंबर 9। राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमरिया में शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को लगा रखा है, लेकिन यहां पर छात्र छात्राओं का नामांकन मात्र 9 है। शिक्षा विभाग तनख्वाह के नाम पर शिक्षकों को मोटी रकम भुगतान करता है, इसके बावजूद छात्र छात्राएं शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। गाँव में छात्र छात्राओं की संख्या वाकई में कम है, यह कारण यह एक जांच का विषय है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के नौनिहालों स्कूलों से जुड़ सके। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि छात्र छात्राओं को स्कूल से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार मिड डे मील के रूप में पोषाहार दे रही है और दूध भी वितरित कर रही है, ताकि प्रत्येक बच्चा शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके बावजूद छात्र छात्राओं का कम नामांकन चिंताजनक है। सावर पंचायत समिति के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आलोला में शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षक लगा रखे, लेकिन यहां पर भी 11 बच्चों का नामांकन है। यहां पर भी मिड डे मील पोषाहार दिया जा रहा है और पोषाहार बनाने वाली महिला को पोषाहार बनाने के नाम पर मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन छात्र छात्राओं की संख्या मात्र 11 है, जो चिंताजनक है। राजस्थान सरकार सबको शिक्षा देने के लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी स्कूल खोल रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के कारिंदे छात्र छात्राओं को स्कूल से नहीं जोड़ पा रहे हैं। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल निरीक्षक का लक्ष्य देती है। क्या कभी किसी अधिकारी ने कम नामांकन वाले स्कूलों का निरीक्षण करके नामांकन बढ़ाने हेतु पहल की? यह एक सोचनीय पहलू है।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय टोपा में भी स्कूल के हालात अन्य स्कूलों की तरह है। यहाँ पर सरकारी पोर्टल पर 11 बच्चों का नामांकन दिखा रखा है और शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षक उनको पढ़ाने के लिए लगा रखे हैं। पोर्टल पर 11 बच्चों का नामांकन है। स्कूल में कितने बच्चे आते हैं और कितनों को शिक्षा मिल रही है, यह एक जांच का विषय है, लेकिन पोषाहार का भुगतान बराबर उठ रहा है। शिक्षा की ज्योत गांव गांव ढाणी ढाणी जलाने के लिए राजस्थान सरकार आए दिन शिक्षकों की भर्ती कर रही है और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के हालात खराब है और सरकार के प्रति माह करोड़ों रुपये का अपव्यय हो रहा है। सरकार तो गांव में स्कूल खोल रही है, लेकिन ग्रामीणों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और स्कूल से वंचित बच्चों को अपने स्तर पर प्रयास करके स्कूल से जोड़ना होगा, तभी सबको शिक्षा देने का सरकार का सपना साकार हो पाएगा। केस नंबर 12, राजकीय प्राथमिक विद्यालय विस्थापित कॉलोनी सदारा में भी स्कूल के हालात सही नहीं हैं। सरकार ने यहां पर नौनिहालों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों को लगा रखा है और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 12 बच्चों का नामांकन दर्ज कर रखा है। स्कूल में शिक्षा लेने के लिए कितने बच्चे आते हैं और कितने नहीं, यह शिक्षा विभाग के अधिकारी जाने, लेकिन 12 बच्चों का कम नामांकन होना चिंताजनक है। सरकार शिक्षा के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई निरक्षर नहीं रहे, इसके बावजूद छात्र छात्राएं शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सर्वे करवाया जाता है और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए अभियान भी चल जाता, इसके बावजूद स्कूलों में लगातार छात्र छात्राओं की संख्या घट रही है, जो चिंताजनक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सापली में 12 बच्चों का नामांकन है और 2 शिक्षक कार्यरत। इसी तरह राजकीय प्राथमिक विद्यालय शोकलिया में 12 बच्चों का नामांकन और यहां पर भी शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षक लगा रखे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मानपुरा में 2 शिक्षक लगा रखे हैं और यहां शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 17 बच्चों का नामांकन दर्ज कर रखा है। स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे कितने आते हैं, यह एक जांच का विषय है। शिक्षा विभाग की तरह से नामांकन बढ़ाने के कभी प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते अन्य स्कूलों की तरह इन स्कूलों में भी कागजी खानापूर्ति की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हालत प्राइमरी स्कूल में ही हो, मिडिल स्कूलों में भी हालत खराब है। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन विद्या के मंदिर में भी खानापूर्ति की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की जोत जलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन गुरुजी की मौज हो रही है। शिक्षा विभाग ने 2-2 शिक्षक लगा रखे हैं, लेकिन दोनों शिक्षक एक साथ स्कूल नहीं जाते। एक शिक्षक 10 दिन स्कूल चला जाता है और दूसरा शिक्षक 10 दिन बाद स्कूल चला जाता है। इस तरह से स्कूलें चल रही है। कई स्कूलों में तो गुरुजी गायब है और सरकारी रिकॉर्ड थैलों में पड़ा है। कई विद्यालय में पोषाहार नहीं बन रहा है और पोषाहार के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। केकड़ी जिले में स्कूल में नामांकन नाम मात्र का है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आशीर्वाद से वहां 2-2 शिक्षक लगे हुए हैं, जिसके चलते करोड़ों रुपये का सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों के दबाव में सरकार नियमों को ताक में रखकर आए दिन स्कूलें तो खोल रही है, लेकिन स्कूल खोलने के बाद उनकी सुध नहीं ले रही है, जिसके चलते स्कूलें कागजों में ही चल रही है। सरवाड़ के जिन जिन प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2024-25 का नामांकन गत सत्र से कम है, वहाँ पर हम नामांकन बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। संबंधित PEO और संस्था प्रधानों को भी पाबंद कर दिया गया है कि वे अपने किए गए सर्वे के अनुसार प्रत्येक अभिभावक से संपर्क करके बच्चों को विद्यालय से जोड़े। नामांकन में लक्षित जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सत्र पर्यंत चालू रहती है, अतः इस संबंध में हम सभी PO को और संबंधित संस्था प्रधानों को पुनः पाबंद करते हैं कि वो अपने नामांकन के लक्ष्य को। सरकारी रिकॉर्ड में तो नामांकन 6 बच्चों को 8 बच्चों को दिखा रखा है, लेकिन बच्चे स्कूल जाते नहीं है। 2-2 टीचर लगा रखे हैं,
सरकार द्वारा नामांकन के अकॉर्डिंग व एकल शिक्षक प्रथा को बंद करने के हिसाब से प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम नामांकन के लक्ष्य को इस सत्र में भी प्राप्त करें। अगर स्कूल के अंदर 2 अध्यापक है लेकिन नामांकन 0 होने के कारण 1 अध्यापक को रायनगर में प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया गया है और 1 अध्यापक को ब्लॉक में जहाँ भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो है वहाँ लगा दिया जाएगा। तो इसके सारे प्रकरण की सूचना हमने जो है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक केंद्र को दे दी है। तो नामांकन के हिसाब से सभी जगह जो है अध्यापक लगे हुए हैं और ऐसी तो है हमारे ब्लॉक में अभी कोई सूचना है नहीं कि भाई जो है वहाँ नामांकन कम है, 3-4 अध्यापक लगाए गए हैं। इंदिरा कॉलोनी स्कूल में है तो इस प्रकरण की जांच करवा ली जाएगी। पिछली साल तो 15 था और अभी 8 है और छात्र छात्राओं की संख्या कम होने के कारण छात्र छात्राएं जुड़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब 5 साल से ऊपर के हैं। मेरा नाम रिद्धि शर्मा है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय उदय सागर की संस्था प्रधान हूँ। मेरे गांव में टोटल 20 मकान है और हमारे विद्यालय का नामांकन 8 है और हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे गांव से बच्चे हमारे विद्यालय में जुड़े और अभी तक 100% हमारा नामांकन गांव के अकॉर्डिंग विद्यालय में है।